और दोस्तों ओप्पो भी लेकर के आ गया है अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है ओप्पो F15। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको ओप्पो F15 के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ और दोस्तों बताऊंगा आपको कि मुझे इस स्मार्टफोन में क्या पसंद नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्मार्टफोन में सारी की सारी चीज़ें अच्छी नहीं दी गई होती हैं। इस स्मार्टफोन में आपको क्या अच्छा देखने को मिल रहा है, क्या अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तु टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स डालेंगे एक नज़र यहाँ पे ओप्पो F15 के डिज़ाइन और डिस्प्ले पर, तो दोस्तों डिज़ाइन की बात करें तो बैक में यहाँ पे आपको चार कैमरे देखने को मिल जाएंगे और ये मैं आपको बता दूँ बैक की बॉडी है कोरलिन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है और जैसा कि आपको पता है कि एमुलेट डिस्प्ले दी गई है तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। और हाँ दोस्तों ये भी आपको डिस्प्ले कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन के साथ मिल रही है, मतलब बैक और फ्रंट दोनों ही आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन के साथ मिल रहे हैं। और ये अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि जनरली क्या होता है कभी कभार अचानक से हमारा फोन हमारे यहां से छूट जाता है और फोन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली टूट ही जाता है, तो ग्लास के साथ आता है तो टूटने के चांसेस कम रहते हो। मैं तो वैसे भी चाहता हूं कि सारे स्मार्टफोन में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन आया करे। वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताएं। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो इस टाइम पर देखते हुए इसमें थोड़ी सी बैटरी कम दी गई है, क्योंकि इसमें आपको 4020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इस टाइम पर जो फोन आ रहे हैं वो 4500 या 5000 इवन 6000 mAh की बैटरी वाले भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो बैटरी थोड़ी सी बढ़ा सकते थे ये लोग। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि इसमें आपको वूकास 3.0 वाला चार्जर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 20 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है। कंपनी का क्लेम है कि आपका 67 मिनट मतलब 76 मिनट में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। और हाँ दोस्तों इसमें आप अगर इस स्मार्टफोन को 5 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 घंटे का टॉक टाइम देखने को मिल जाता है। टॉक टाइम इन द सेंस कि आप यहाँ पे 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं। तो चार्जर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डाला है ओप्पो वालों ने, बैटरी थोड़ी सी इन्होंने कम कर दी है लेकिन चार्जर अच्छा डाला है। हाँ दोस्तों मुझे इसमें एक चीज़ नहीं अच्छी लगी है, वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसमें आपको मीडिया टेक का हीलियो वाला P70 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। इस टाइम पर वो भी P70 जचा नहीं स्नैपड्रैगन के साथ आता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इधर नए आ गए हो तो क्या कर रहे हो, अब आ गए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसी नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। तो अभी सब्सक्राइब करो, ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। बात करें दोस्तों इसके कैमरे के बारे में, तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो क्वाड कैमरा सेंसर के साथ आते हैं, तो इसमें भी आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। 48 MP का इसका प्राइमरी सेंसर है, अगेन आपको 8 MP का देखने को मिल रहा है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP का आपको देखने को मिला है माइक्रो लेंस और लास्ट आपको 2 MP का देखने को मिला है वो डेप्थ सेंसर दिया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल ठीक ठाक कैमरे है, क्योंकि यही कैमरे तो सारे स्मार्टफोन में आ रहे हैं इस टाइम पर। हाँ दोस्तों ये आपको एक ही वेरियंट में देखने को मिल रहा है इस टाइम पर, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आ रहा है, प्लस इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिला है जिसकी मदद से आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं 16 जनवरी को ये लॉन्च हुआ है, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये लॉन्च हो गया होगा। और प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है 8GB 128GB स्टोरेज की जो प्राइस है वो तकरीबन 20,000 रुपये है, कन्फर्म नहीं है, जैसे ही होगी मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा, आप एक बार उसको जरूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लेना कि इसकी प्राइस क्या है, जैसे ही आएगी मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो दोस्तों ये था स्मार्टफोन ओप्पो F15, कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट में जरूर से बताएं। और हाँ दोस्तों इसकी जो टक्कर है वो वीवो S1 प्रो के साथ हो रही है। चले दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ दोस्तों अभी तक बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हम लोग आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।